बता दो। हाय फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो मैंने इसलिए बनाया क्योंकि मेरे पास बहुत सारे लोगों की क्वेरीज आ रही थी कि आईटीआर की और टैक्स ऑडिट की ड्यू डेट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस साल आईटीआर और टैक्स ऑडिट फाइल करने में लोगों को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इसके कुछ नेचुरल रीजंस भी थे, जैसे अगर आप केरला वगैरह में देखेंगे, महाराष्ट्र में देखेंगे तो फ्लड्स आए हुए थे, तो वहाँ पे जेन्युइनली प्रोफेशनल्स को इतना टाइम नहीं मिल पाया कि वो लोगों की आईटीआर और टैक्स ऑडिट्स को फाइल कर सकें। सेकंड थिंग, हमारी जो जीएसटी ऑडिट की पहले ड्यू डेट थी वो 31 अगस्त थी, और वो लास्ट मोमेंट पर जाके गवर्नमेंट ने उसकी ड्यू डेट बढ़ाई थी। तो इस वजह से भी जो प्रोफेशनल्स हैं वो टैक्स ऑडिट और आईटीआर पे काम नहीं कर पाए। थर्ड थिंग, जो हमारी इंडिविजुअल्स की आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट थी वो भी 31 अगस्त थी, एंड दैट इज ऑल्सो रीजन कि ये जो 1 महीना प्रोफेशनल्स को एक्स्ट्रा मिलता था वो नहीं मिला आईटीआर और टैक्स ऑडिट पर काम करने के लिए। तो इस वजह से खाली आप पैनिक नहीं हो रहे, पूरे इंडिया में ये कंसर्न है लोगों का कि टैक्स ऑडिट की और आईटीआर की ड्यू डेट को बढ़ाया जाए ताकि लोग इस पर काम कर सकें, ताकि प्रोफेशनल्स तसल्ली से आईटीआर को फाइल कर सकें। यही रीजन है कि बहुत सारे रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स ने और जो भी टैक्स प्रोफेशनल के ग्रुप्स हैं उन लोगों ने मिलके बहुत सारी रिप्रेजेंटेशन करी है गवर्नमेंट को। ये कुछ रिप्रेजेंटेशन मैंने डिस्प्ले भी करी है, एंड इफ यू वॉन्ट टू रीड दीज रिप्रेजेंटेशन यू कैन विजिट www.studycafe.in। एंड आईसीआई, द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, ने भी गवर्नमेंट को रिप्रेजेंटेशन करा है कि आप ये टैक्स ऑडिट की और आईटीआर की ड्यू डेट को बढ़ा के 30 नवंबर कीजिए, एंड होपफुली नेक्स्ट वीक तक इस पर गवर्नमेंट एक्शन भी लेगी और ऑर्डर भी आ जाएगा। तो तब तक के लिए गाइस, प्लीज कीप द हार्ड वर्क ऑन, एंड प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड डू कमेंट इन द कमेंट बॉक्स मेंशन बिलो। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स।